सिंपल सिंपल से तरीके से। तो देखो बच्चों, लास्ट में आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ गई थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। अब जरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मैं आप लोगों को कुछ और बातें समझा देती हूँ। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सबसे पहली चीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम, ये वर्ड रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया हमने इनको, व्हाई वी कॉल देम रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर जाने से, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल दो बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये। यस हाँ, तो इस चीज लिए हम इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था क्या कीर्ति? नो मैम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब एक्सोन्यूक्लिएज क्या करते हैं बच्चों, एक्सो मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो सपोज करो ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए को अगर हमको बाहर से कट कराना है इसके टर्मिनल एंड से, तो मैं कौन से एंजाइम यूज करूंगी, एक्सोन्यूक्लिएज। कट द डीएनए, डीएनए को कट करते हैं फ्रॉम टर्मिनल एंड, जबकि मेरे एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कट करते हैं विद इन से, बीच में से, विद इन मतलब कहीं बीच में से कट करेंगे, और हमेशा कहां से कट करेंगे, एक स्पेसिफिक पोजीशन से, विद इन स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए। इसी स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बच्चों वो सीक्वेंस होती है हमारे डीएनए की, अगर मैं उसको लेफ्ट से राइट रीड करूं तो तब भी सेम आ रहा है, उसको राइट से लेफ्ट रीड करूं तब भी। देखो जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस है और ये, देखना जरा इसको लेफ्ट से राइट रीड करो, इधर से इधर रीड करो, फिर इधर से इधर रीड करो, सेम आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम। इसको हम बोलते हैं आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो याद रखना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमेशा आपके डीएनए को एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेंगे, एक स्पेसिफिक पोजीशन से ये कट लगाएंगे, जिस पोजीशन से कट लगाएंगे उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपकी 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स की हो सकती है। मैम, हाँ जी मैम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होती है क्या? हाँ सेम होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और मतलब जहां जिस सीक्वेंस से डीएनए कट करेगा ना उस सीक्वेंस को बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए, और जिस पॉइंट से कट करेगा, जिस पॉइंट से या जिस साइट से कट करेगा उसको क्या बोले, जैसे जी और ए के बीच में से कट करेगा यहाँ पे, तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी जी और ए से, इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर? यस मैम। चलो तो इतना क्लियर हुआ। तो हमेशा बायोटेक्नोलॉजी में हमको डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट कराना पड़ता है, तो इसलिए मैं हमेशा क्या यूज करती हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? मैम ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला रिपीट कर दीजिए, क्लास लेट ज्वाइन हुई है। बेटा मैंने ये बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लास्ट क्लास में समझाया था क्या होता है, डीएनए को सिर्फ कट करने का काम करता है, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनवा देते हैं, है ना? अब वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है, आपके डीएनए को कट करते हैं हमेशा एंड से, टर्मिनल एंड से, और एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कहीं सेंटर में से कट करता है, सेंटर या फिर एक स्पेसिफिक पोजिशन से कट करता है, उस स्पेसिफिक पोजिशन को हम बोलते हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए, या फिर हम इसको रिकॉग्नाइजेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, जिस सीक्वेंस को मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करेगा
और उस सीक्वेंस में एक प्रॉपर पॉइंट से कट लगाएगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर? यस यस, बोलो साहिस्ता, समझ में आया? यस मैम। चलो अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है बच्चों, तो अब इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आपको पता है हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं? कहाँ से आइसोलेट करते हैं? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से ही तो निकालते हैं ना। अब सपोज करो मेरा एक बैक्टीरिया है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी से मेरे को एक एंजाइम मिला, उस एंजाइम को मैं नोमेनक्लेचर कैसे करूंगी? उसका मैं नाम रखूंगी H4 हीमोफाइलस। जो H मतलब फर्स्ट लेटर होगा आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम का, वो आपको बताएगा जीनस। सेकेंड और थर्ड लेटर क्या बताएगा? स्पीसीज। और फोर्थ लेटर आपके बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, और इसके सामने एक नंबर लिखा होगा जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे। ये रोमन नंबर मेरे को क्या बताएंगे? रोमन नंबर क्या बताएंगे? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से मैंने इसको कौन से नंबर पे निकाला है। अगर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी से पहली बार कोई एंजाइम निकाल रही हूँ तो मैं इसका नाम रख दूंगी क्या? हिंड फर्स्ट। फिर इसके बाद मेरे को एक और एंजाइम मिल गया तो मैं उसका नाम रख दूंगी हिंड सेकेंड। फिर एक और मिल गया तो हिंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे मैं इनके नाम रखती चली जाऊंगी। Yes, ma'am. चलो अब बोला ये जाता है कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी से निकाला गया, लेकिन उसका नाम रखा गया क्या? मतलब सेकंड था जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। तो मैम सेकंड नाम क्यों रखा? यही बता रही हूँ ना, क्योंकि देखो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, बॉडी के अंदर से पहचान लिया गया। अब लेकिन क्या हुआ, इसको पहचान लिया गया, मिल गया, इसको ऑर्डर, उसको आइसोलेट करने में, बाहर निकालने में टाइम लग गया। 5 साल लग गए थे इसके आइसोलेशन और कैरेक्टराइजेशन में। जब तक एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है जैसे कि साइस्ता ने पहचान लिया, लेकिन वो आइसोलेट नहीं कर पा रही है उसको। दूसरी स्टूडेंट है हमारे पास, साइंटिस्ट है करिश्मा। करिश्मा ने तब तक क्या किया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी से एक और एंजाइम पहचान लिया और उसको बाहर भी निकाल लिया, तो उसने उसका नाम दे दिया क्या? हिंड फर्स्ट। अब हमारी साइस्ता तो अभी इसी में उलझी हुई थी, इसने इसको टाइम लगा दिया, तो इसका नाम फिर जब इसने 5 साल बाद इसको निकाला तो इसका नाम हिंड सेकंड रखा जाएगा ना? यस मैम। तो लेकिन पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मिला था वो किसको मिला था? साइस्ता को या करिश्मा को? शाइस्ता को मिला था। इसलिए पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड था, लेकिन आइसोलेट करने में इसको 5 साल लग गए थे, इसलिए तब तक दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी निकाल लिया गया था। आया समझ में क्यों बोला? यस मैम। ओके फाइन, चलो ये चीजें समझ में आ गई। अब आती है हमारी कहानी, बड़ी अच्छी अच्छी सी कहानियां सुनाऊंगी मैं, एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड लैंग्वेज में समझेंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता दिया, क्यों बोलते हैं ये बता दिया, नोमेनक्लेचर बता दिया। अब समझते हैं स्टिकी एंड क्या होता है और फ्री एंड क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, सिंपल तरीके से आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख लो, जब डीएनए को कट करते हैं। अब सपोज करो मेरी एक सीक्वेंस है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं है? एक सीक्वेंस है ये। यस मैम है। ये भी पैलिंड्रोमिक है? यस मैम। अब एक रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, आपके डीएनए के यहां से कट लगा रहा है और यहां से,
एक स्ट्रैंड पे जिस पोजीशन से कट लगाएगा ना, ये ध्यान रखना, दूसरे स्ट्रैंड पे भी सेम ही जगह से कट लगाएगा, ठीक है? तो मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की सेंटर ये हो गया सेंटर से कहीं दूर से अगर कट लगा रहा है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेंटर से कहीं दूर से कट लगा रहा है, तो वहां पे बनने वाले एंड को हम बोलेंगे स्टिकी एंड। लेकिन अगर आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल सेंटर से कट लगा रहे हैं, ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में देखो 6 न्यूक्लियोटाइड है, 3 इधर रह गए, 3 इधर, तो ऐसे एंड्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लंट। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टिकी एंड्स कब बनते हैं, स्टिकी एंड हमारे तब बनते हैं जब मेरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से कहीं अवे से कट लगाता है, और अगर वो बिल्कुल सेंटर से कट लगाएगा तो बनेंगे क्या, क्या बनेंगे? तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपको याद रहेगी स्टिकी, स्टिकी में भी तो सेंटर से ही निकाल कट लग रहा है। नहीं, सेंटर से कहाँ लग रहा है, जी और ए से कर बीच में से कट लग रहा है यहाँ से, तो ये सेंटर थोड़े ना है, सेंटर तो यहाँ पे है, स्टिकी एंड स्टिकी एंड बन रहा है ना। देखो जब यहाँ से कट लग जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ऐसा बच जाएगा ना जी ट्रिपल बॉन्ड सी टी टी ए ए ऐसा, और ये पूरा अलग हो जाएगा क्या, ए ए टी पी सी, और यहाँ पे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड सी, ये अलग हो गया ना, देखो स्टिकी एंड बन रहा है ऐसे, स्टिकी एंड, और यहाँ पे कैसे कट हुआ, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा सी 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 जी जी जी, ऐसे बॉक्सेस बन गए देखो ऐसे। ओके मैम, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम एक बार जरा देख लो, इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है। अब एक और चीज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डीएनए के लिए भी सेम यूज करोगे, सपोज करो आप एंजाइम यूज कर रहे हो इको आर वन, अब इको आर वन में ई क्या बताता है मेरे को, एस्टीरिया जीनस, और सीओ का मतलब स्पीशीज, और आर का मतलब आर वाई स्ट्रेन, और वन का मतलब कि पहली बार निकाला गया इको आर एस्टीरिया कोलाई की बॉडी से। तो अगर आप एक एंजाइम यूज करो, सेम एंजाइम आपको डीएनए को कट कराने के लिए यूज करना है, सेम एंजाइम आपको वेक्टर के लिए यूज करना है। अब वेक्टर क्या होता है, अब देखो सपोज करो एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास कोई बुक है, मेरे को ये बुक किसके घर पे ट्रांसफर करनी है, कीर्ति के घर पे ट्रांसफर करनी है। अब मैं बुक को, ये थोड़ी ना मैंने बुक को बोल दिया कि यार देखो ये कीर्ति के घर कैडर से आप चले जाओ, बुक खुद तो नहीं जाएगी ना, बुक को एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब मेरी बुक को समझ लो जीन, बुक को समझ लो क्या, जीन, और अब जीन खुद तो जाएगा नहीं, खुद नहीं जाएगा वो जीन, उस जीन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो मेरा जीन छोटे साइज का है तो मैं छोटे वाला व्हीकल लेके जा सकती हूँ उसको कीर्ति के घर पे ड्रॉप करने, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी थाउजेंड्स बुक है तो मैं क्या कार या स्कूटी में जा सकती हूँ थाउजेंड्स बुक लेके, नहीं जा सकती ना। नो मैम, जैसा मेरा जीन है, मतलब जैसी मेरे जीन का साइज है उसी साइज के अकॉर्डिंग मेरे को वेक्टर चूज करना पड़ेगा। यस मैम, है ना। चीज वेक्टर मेरे को कैसा चूज करना पड़ेगा, सपोज करो एक तो मेरे पास ऐसा है कि मैंने एक बुक मैं भेज रही हूँ कीर्ति के घर पे, तो मैं चाहती हूँ कीर्ति के घर पे जाते जाते वो बुक क्या हो जाए, वो बुक मतलब कीर्ति के घर पे जाने के बाद भी ना वो बुक बहुत अच्छे से रहे। अच्छे से रहने का मतलब ये है कि उस बुक, वो बुक कीर्ति के घर से किसी दूसरे के घर में भी कीर्ति ट्रांसफर करे, जैसे करिश्मा के घर पे भी उसको भेजे, फिर साइस्ता के घर पे भी भेजे, ताकि सब बच्चे पढ़ पाए। ये थोड़े ना कि मैंने बुक दिया वो सिर्फ कीर्ति कीर्ति पढ़ेगी, उससे सारे बच्चों का हक है ना प्रॉपर्टी में। तो मैं ऐसा वेक्टर चूज करूंगी जो मेरा वेक्टर क्या करे, उसको कीर्ति के घर पे भी लेके जाए, कीर्ति के घर पे साइस्ता के, अर्चना के, अंशु के, सबके घर पे लेके जाए, ऐसा वेक्टर अच्छा होगा ना। या फिर मैं वो वेक्टर चूज करूँ जो सिर्फ कीर्ति के घर पे, कीर्ति के घर पे ड्रॉप करके फिर बोलेगा मेरा तो काम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, ऐसा तो नहीं होना। पहला वेक्टर मेरे को ऐसा चूज करना है जिस वेक्टर के पास ओ आर आई सिक्वेंस हो। ओ आर आई का मतलब ये होता है जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो, जो अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर पाए,
जिसको किसी की जरूरत ना हो, जिसको मैं जो काम बोलूं खुद से करता रहे अपने काम, ऐसा मेरे को वेक्टर चूज करना है। सेकंड चीज, सेकंड मैं एक ऐसा, जैसे कि मैंने किसी व्हीकल या किसी भी इंसान के थ्रू मैंने बुक भेजी, मेरे को पता रहना चाहिए कि वो बुक उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, है ना, वो इंसान कहाँ तक पहुंचा, उसको कीर्ति के घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए इन चीजों की। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, उस वेक्टर उस इंसान को एक मोबाइल फोन देके भेजूंगी या नहीं, ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ऐसे वेक्टर के केस में मैं क्या करूंगी, ऐसे ही मैं वेक्टर के केस में क्या करूंगी, वेक्टर को मोबाइल फोन तो नहीं दे सकते, तो इसके केस में हम वेक्टर को देंगे सिलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर दे देंगे, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरी बुक कहाँ तक पहुंची है कहाँ तक नहीं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो, अब मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस तो समझा दिए क्या होता है, ये आप लोगों को बच्चों देखो कुछ सिक्वेंसेज याद रखनी पड़ेंगी, पहले तीन याद रख लेना बस। इको आर वन की सिक्वेंस होती है गार टीटीसी, या फिर घटक से भी आप इसको याद रख सकते हो। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एस्टीरिया, सीओ का मतलब होता है कोलाई। हिंड थर्ड की सीक्वेंस आपको याद रखनी, आग सी टी टी, आग सी टी टी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। बाम वन की सीक्वेंस आपको याद रखनी है, बेसाइलस एमाइलोकी पेसेंस, याद कर लोगे, ये नोट्स में आप लोगों ग्रुप में शेयर। yes, ma'am. चलो इतनी सिंपल है, हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं। अब वैक्टर की मैंने आप लोगों को कहानी बताई कि मेरे को क्या चाहिए, एक वेक्टर ऐसा चाहिए जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए, है ना, या फिर वो ही रेप्लिकेटिंग वो वेक्टर कंट्रोल भी कर पाए कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, मतलब मैंने उसके साथ जो डीएनए को लिंक कराया वो डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, लेकिन कितनी कॉपी बनानी है वो भी ORI सीक्वेंस डिपेंड। अगर मेरे को बहुत सारी कॉपीज बनवानी है, हाई कॉपी नंबर रखना है, तो मैं ऐसा वेक्टर चूज करूंगी जिसका हाई कॉपी नंबर हो, है ना। सेकंड, मैं अपने वेक्टर को एक मोबाइल फोन देके भेजूंगी, मोबाइल फोन मतलब सिलेक्टेबल मार्कर, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मेरे वेक्टर के अंदर मेरा डीएनए इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं ना। यस मैम। अब मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना नहीं बना, चलो अगर बन भी गया तो क्या वो होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ, क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये सारी चीजें पता करने के लिए मैं अपने वेक्टर को क्या दूंगी, एक सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर, ये चीज सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर। थर्ड पॉइंट मेरे पास होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट, इसका मतलब मैंने जो वेक्टर दिया उस वेक्टर के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेरी बुक तो लेके जा रहा है और साथ साथ मेरी और भी फ्रेंड्स है, और भी आपकी फिजिक्स टीचर केमिस्ट्री टीचर का, वो भी बच्चों को बुक देना चाहते हैं, तो वो सबकी बुक्स कीर्ति तक पहुंचा दे, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक वेक्टर के पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। बच्चों एक सेकंड होल्ड करना, मेरे को ना एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस। ओके मैम। हाँ जी बच्चों, सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये हो रखा है आपकी, जैसे हम आप लोगों की ट्वेल्थ की क्लासेस ले रहे हैं ना,
ऐसे ही साइड बाय साइड ना 11th वाले बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, मतलब जिन स्कूल से आप लोगों ना उन्हीं स्कूल से हमारे पास 11th के बच्चे भी आ गए हैं, तो 3 नए टीचर्स हायर हुए हैं। अब उन टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की क्लास लेने में, तो कॉल करते रहते हैं बीच में। हम लोगों को तो काफी टाइम हो गया क्लास लेते हुए, हमें तो पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उन सबको सॉर्टेड, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में बहुत चीजें की ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग एंटर हो पा रहे हो या नहीं हो रहे हैं, लिंक सही से, आप लोग पता है जब कभी कभी क्या हो जाता है लिंक काम नहीं करते तो बच्चे पैनिक करने लग जाते हैं, मैम लिंक काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, होता है ना सारी चीजें, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत आता है प्रॉब्लम। तो 11th वाले बैचेस में भी अभी वही चल रहा है। तो चलो कंटिन्यू कर, तो मैंने यूट्यूब जो चैनल है रिकॉर्डिंग में नई टीचर्स दिखे, यूट्यूब के जो चैनल है उसमें देखे आपने नए टीचर्स? यस मैम। ओके अच्छा चलो, तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि बच्चों जो वैक्टर मेरी बुक लेके जा रहा है तो वो ये होना चाहिए कि वो वैक्टर बहुत सारे टीचर्स की बुक लेके चला जाए, है ना। तो इसका मतलब एक वैक्टर के पास बहुत सारे एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन एक एंजाइम की एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, एक एंजाइम की एक रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब कीर्ति के घर सिर्फ एक ही बुक जानी चाहिए, ये नहीं कि कीर्ति के घर ही सारी बुक जा रही है। वो कैसे, ये देखो वैक्टर का डायग्राम है, पहला जो सबसे अच्छा वैक्टर हम यूज करते हैं ना वो हम यूज करते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड मैंने आपको समझाया था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ना। Yes. अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसी प्लाज्मिड के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए, साइंटिस्ट लोगों ने इसी प्लाज्मिड के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए। पहला बनाया PBR322, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का मतलब बॉलीवर, आर का मतलब रोड्रिज, पीयूसी का मतलब, पी का मतलब प्लाज्मिड और यू का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब जो नेचुरली हमारा था प्लाज्मिड उसी के अंदर मॉडिफाई कर दिए साइंटिस्ट लोगों ने और अच्छे अच्छे टाइप के प्लाज्मिड बना दिए। अब हम पढ़ते कौन सा है, सिर्फ PBR320 पढ़ते हैं बिकॉज एनसीईआरटी भी उसी के बारे में दिखती है। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये है मेरे पास पहला प्लाज्मिड PBR320। अब मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी रिएक्टर होगा उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर इनका। सेकंड मैंने बोला इनके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ये रहे सिलेक्टेबल मार्कर, दो सिलेक्टेबल मार्कर है एम्फिसिलिन और सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, यहाँ पे है एएमपी, वॉइस इज वेरी लो बेटा, सबके साथ लो आ रही है क्या वॉइस, मैं तो बहुत इससे मेरा गला खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है आ रही है, ठीक है ना। तो चलो, तो दो सिलेक्टेबल मार्कर है, पूछा जाता है बच्चों के क्वेश्चन डायग्राम देके पूछा जाएगा कि इनमें से सिलेक्टेबल मार्कर कौन, तो ORI तो मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एएमपी का मतलब होता है एम्फिसिलिन और टीईटी का मतलब टेट्रासाइक्लिन। अब इनके ऊपर ये आर बना हुआ है, आर क्या बताता है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन नहीं रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट समझते हो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो प्लाज्मिड है ना, मेरा जो प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड के अंदर एक जीन ऐसा है, यहाँ पे ये जीन ऐसा है जो इस जीन, इस प्लाज्मिड को एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट बना रहा है, मतलब मैं इस प्लाज्मिड को एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक में रखूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसके पास ये जीन है। अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में रखूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसके पास ये जीन है, मतलब जब तक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, ये वाली कहानी। तो इस सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे मेरे। अब ये प्लाज्मिड जिस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जाएगा वो इंडिविजुअल भी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा ना। यस मैम। है ना, तो हम पहचान लेंगे फिर कि अगर ये बॉडी के अंदर जा रहा है होस्ट बॉडी में और उस होस्ट बॉडी को एंटीबायोटिक दे देंगे बहुत सारा, अगर उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब मेरा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब प्लाज्मिड किसके अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ है।
लेकिन अगर बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक डालते उसको इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर नहीं गया हमारा प्लाज्मिड, ऐसे ही ना। यही तो बच्चों, मैं एक बार और एक्सप्लेन, देखो अभी डायग्राम समझा के फिर से ये चीज बताऊंगी। अभी सेकंड वाला पॉइंट हमारा सिलेक्टेबल मार्कर क्लियर है, थर्ड मैंने बताया बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट, देखो कितने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है ना, बहुत सारे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सिर्फ एक साइट है। और ये आरओपी का मतलब क्या होता है, आरओपी क्या होता है, आरओपी एक प्रोटीन कोड करता है, जो प्रोटीन आपको हेल्प करता है रेप्लिकेशन करने में, ये याद रखना, याद रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे किस किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो आपका आंसर होना चाहिए साल्वन और बाम एच1। एम्फिसिलिन के ऊपर किस किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, PV1 और PSG1। इन दोनों के बीच में किस किस की है, EcoR1, Cl1, Hindhard। और आरओपी के पास, आरओपी के पास PVU2 की साइट है, PVU2। क्लियर, चलो अब मैं आप लोगों को इन प्रोसेस समझाती हूँ कि प्रोसेस होता कैसे है। साइट्स हैं जी मैम, रेस्ट्रिक्शन साइट मैम, PBR के साथ वो 322 किसलिए यूज होता है, PBR 322 बेटा, जैसे कि ना होता है ना, कोई भी आप नई डिस्कवरी करते हो ना तो उस डिस्कवरी को एक नंबर दे दिया जाता है, तो ऐसे ही जिस लैब में काम चल रहा था ना, तो उस लैब में ना साइंटिस्ट लोगों ने इसको नंबर दे दिया 322, ऐसे इसका नाम 322 पड़ गया। मतलब जैसे होता है ना, आप किसी लैब में कोई बुक रख रहे हो या कोई चीज रख रहे हो तो उसका एक नंबरिंग हो जाता है वहां पे, तो उसको एक नंबर दिया गया था ये ऐसे ही। अब क्या करना है, अब इन सेलेक्टेबल मार्कर का मैं यूज बताऊंगी आप लोगों को क्या यूज है, उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो, मतलब छोटी सी नहीं बड़ी सी चीज है। अब तक हमने क्या सीखा, मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल ये है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस सेल के अंदर से एक जीन को निकालना है और किसको देना है, इस वाली सेल को देना है। तो सबसे पहले सेल क्या करूंगी, इस सेल को ओपन करूंगी किसकी हेल्प से, अगर मेरे पास बैक्टीरिया है तो मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अरे सेल को ओपन कराना है, अगर मेरे पास ये बैक्टीरिया है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी लाइसोजाइम, अगर मेरे पास ये प्लांट सेल है तो प्लांट की सेल सेल फॉर्मूला तो सेल्युलेज, अगर ये मेरे पास फंजाई है तो अंदर से जेनेटिक मटीरियल को बाहर निकाल लिया, इस जेनेटिक मटीरियल को बाहर निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास जेनेटिक मटीरियल। अब इस जेनेटिक मटीरियल के अंदर से मेरे को एक जीन निकालना है, ये वाला सपोज करो, तो मैं क्या करूंगी, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर एंजाइम कौन सा यूज करूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो मेरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा, इसने मेरे डीएनए को कर दिया ऐसे फ्रेगमेंट्स में कट, कर दिया फ्रेगमेंट्स में कट। अब मेरा जो रेड वाला जीन है ना बच्चों, इन सारी फ्रेगमेंट्स में कहीं खो गया, मैं कैसे ढूंढ के निकालू अपने जीन को, क्योंकि डीएनए तो सब कुछ सेम ही पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझो, ऐसी एक मशीन होती है बड़ी सी, कर देता है डीएनए, ठीक है, इस मशीन के अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया कैथोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे मैंने लगा दिया एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। बच्चों मेरा डीएनए कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, डीएनए भी होता है मेरा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें मशीन में ऐसे वेल्स बना दिए, ऐसे
और ऊपर से डाल दिया अपना डीएनए, लेकिन उससे पहले इस पूरी मशीन में एक जेल डाला, क्योंकि नाम है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल तो यूज करेंगे। कौन सी जेल यूज की मैंने? एगरोस। एगरोस जेल। एगरोस जेल यूज किया, जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया था मैंने? सीवीड। सीवीड से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने ऊपर से डीएनए डाल दिए। अब डीएनए भी मेरा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कैथोड भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। मेरे डीएनए मूव करेंगे एनोड की साइड। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो फास्टर मूव करेंगे ना? यस मैम। फास्टर, तो मेरे को जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे वो होंगे स्मॉलर, और जो फ्रेगमेंट्स मेरे को यहाँ पे मिलेंगे इधर साइड वो होंगे लार्जर। अब मैं अपना वो जीन कैसे पिक करूंगी यहाँ से? हाँ जी मैम, स्मॉलर वाले आगे क्यों जाते हैं? मतलब उनपे अगर देखा जाए तो चार्ज तो कम होता है, लार्जर पे तो चार्ज ज्यादा होगा, तो लार्जर वाले आगे होने चाहिए। अरे नहीं 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 बेटा, साइज है, साइज चार्ज तो सेम है, सबके सब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पूरा डीएनए, चाहे डीएनए का इतना सा फ्रेगमेंट है चाहे डीएनए का इतना बड़ा फ्रेगमेंट है, चार्ज नेगेटिव है, कम ज्यादा नहीं है, चार्ज दोनों पे नेगेटिव है। हमारी स्लाइड डिलीट हो गई। अरे यार मैम, अगर जो डीएनए की अगर बड़ी फ्रेगमेंट होगी तो उसमें उतनी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना? हाँ, तो उसकी वजह से उसका साइज बढ़ेगा ना, साइज चार्ज तो नेगेटिव रहेगा, साइज। अब देखो ना, कोई एक हैवी सा, कोई एक हैवी इंडिविजुअल है, पतला सा इंडिविजुअल है, कौन फास्ट दौड़ेगा? पतले वाला ना, है ना? तो यहाँ पे वही चीज है, जो मेरे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, मोटे मोटे फ्रेगमेंट है जिनके पास ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है, वो धीरे धीरे चलेंगे, और जो छोटे छोटे हैं वो फटाफट भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, इनके ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे ट्रैक्शन होगा, तो इधर साइड दौड़ेंगे। तो इनका मूवमेंट किस बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज कर रहा है। तो जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स होंगे वो मेरे को पॉजिटिव चार्ज की साइड मिलेंगे, जो बड़े वाले होंगे वो मेरे को नेगेटिव साइड में मिलेंगे। सॉर्टेड? यस मैम। ये चीज अब मैंने क्या किया, अब मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐसे चिपक गए यहाँ पे आके। अब मैं कैसे पिक करूं कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है इनमें से, क्योंकि मेरे को डीएनए नहीं दिखेगा अभी, ये नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक डाई डालूंगी जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड है, अभी भी मेरे को ये नहीं दिखा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर से डालूंगी क्या, अल्ट्रावायलेट सनरेज। जैसे ही मैं यूवी रेज डालूंगी मेरे को डीएनए ऑरेंज बैंड कलर के दिखेंगे। सपोज करो मेरे को यहाँ पे ऑरेंज बैंड कलर के दिख रहे हैं, अब सारे ऑरेंज बैंड कलर के मेरे को दिखेंगे, अब मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा डीएनए कौन सा है? अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना जो मेरा, उसके प्रॉब्स बना लूंगी। प्रॉब्स कैसे, अगर मेरा डीएनए था ये जी टी ए सी टी, ये सिक्वेंस था मेरा उसका, तो इसका अपोजिट बना, जी का अपोजिट सी, टी का ए, ए का टी, सी का जी, टी का ए, ये मैंने इसका प्रॉप बना लिया, और इन प्रॉप को क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया, इनको मैंने बना दिया रेडियो एक्टिव। फिर इन प्रॉप को छोड़ दिया यहाँ पे, अब जहां पे भी ये वाली सीक्वेंस होगी वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा या नहीं? कर जाएगा ना? यस मैम। तो जहां पे बाइंडिंग होगी वहीं पे मेरे को रेडियो एक्टिव दिखेगा कि वहां से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल रही है। सपोज यहां से कोई रेडिएशंस निकल रही है तो मेरे को पता चल जाएगा यही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आया समझ में? फिर इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं निकाल लूंगी बाहर, बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन।
यस मैम। बताओ बच्चों सबको यहाँ तक समझ में आया नहीं, एक बार देखो अच्छे से कंसेप्ट को फिर बताओ। क्यों रिवीजन कर रही इसका? देखो मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक बड़ी सी प्लेट ले लिया है ना, ऐसे एक बड़ा सा प्लेट ले लिया, उसके ऊपर पूरे के ऊपर एगरोस जेल डाल दिया। कहाँ से निकाला एगरोस जेल? सीवीड से डाल दिया। ऊपर से मैंने डीएनए डाल दिए और इसके ऊपर एनोड्स लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक एंड पे कैथोड और एक एंड पे पॉजिटिव। जिधर नेगेटिव था उधर साइड से डीएनए डाला। अब डीएनए भी नेगेटिव कैथोड भी नेगेटिव, दोनों के बीच में होगा रिपल्शन हुआ तो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स उस कैथोड से दूर भागेंगे, किधर आएंगे? पॉजिटिव की साइड। अब जो छोटे साइज वाले डीएनए वो फास्ट फास्ट भागेंगे, जो बड़े साइज वाले हैं वो स्लो 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 भागेंगे, है ना। और ये एगरोस जेल कैसी होती है? ये एगरोस जेल धीरे धीरे सॉलिड बनने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एगरोस जेल लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड होना शुरू हो जाती है। जब तक ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं हो जाएगी तब तक तो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे, करेंगे यस मैम। एक बार वो सॉलिडिफाई हो गई तो डीएनए फ्रेगमेंट मूव नहीं करेंगे, तो मतलब मेरे डीएनए फ्रेगमेंट कॉन्स्टेंट हो गए एगरोस जेल में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऊपर से डाला इथीडियम ब्रोमाइड डाई, ऊपर से यूवी रेज डाला, यूवी रेज डाला सबके सब ऑरेंज बैंड कलर के दिख रहे हैं। अब मेरे को पता करना है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट के मैं प्रोब बना के रख लूंगी। प्रोब कैसे? मेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट पता था कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंगल, मतलब यहाँ पे जो डीएनए डालते हो सिंगल स्टैंडर्ड वाला डीएनए मूव कराते हैं, पहले डीएनए को डीनेचर्ड करा के मतलब उसको एक एक सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करके तब मूव कराते हैं यहाँ पे। तो अब जो मेरे को पता था जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कौन सा है, उसका सिक्वेंस कैसा है, उसी के सिक्वेंस के प्रोब मैं बना लूंगी रेडियो लेबल्ड उनको करके। फिर वो प्रोब को मशीन पे छोड़ दिया, जहां पे मेरा वो प्रोब जाके बाइंड हो गया इसका मतलब मेरा वही जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसको बाहर निकाल लूंगी और उस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोल देंगे इल्यूशन। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूशन, ये लिखा हुआ है ना इल्यूशन। आगे समझ? अब मैंने अपना जीन बाहर निकाल लिया, अब ये जीन मेरे को क्या करना है, देखो वापस यहाँ आओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैंने अपना जीन निकाल लिया। अब ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ऐसी ऐसी पांच सेल है सपोज करो, मेरे को एक जीन पांच सेल्स को देना है। अब जीन एक बेचारा और लेने वाले पांच, कैसे दूं, कैसे देंगे? मल्टीपल करेंगे, हाँ इस जीन की क्लोनिंग कराएंगे या एम्पलीफाई करेंगे। कैसे एम्पलीफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पीसीआर की हेल्प लेंगे। व्हाट इज पीसीआर? आपके डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन को एम्पलीफाई कर देती है बिना टाइम को कंज्यूम किए क्लोनिंग प्रोसीजर में। क्लोनिंग प्रोसीजर एक नेचुरल बॉडी के अंदर होता है, नेचुरली होने वाला, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी मल्टीप्लाई करेगी तभी आपका जीन मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों को वैक्सीन बनानी है उस जीन से, इसलिए हम लोगों को आर्टिफिशियली उसको एम्पलीफाई कराना पड़ेगा। अब नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर हम रेप्लिकेशन कराते हैं तो हम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर होता है डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे डीएनए की कॉपीज बनाता है। इस मशीन में हम क्या यूज करेंगे? टेक पॉलीमरेज, ठीक है। और इस टेक पॉलीमरेज को कहां से हम पकड़ेंगे? इसको हम निकालेंगे एक बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्या? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम है। इसकी बॉडी से हम इसको निकालेंगे। ये टेक पॉलीमरेज को ही क्यों यूज किया हमने? क्योंकि ये टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, कितना भी टेम्परेचर दे देना इसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसीलिए हमने इसको यूज किया। कैसे करेंगे, पीसीआर की एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर मैंने अपने डीएनए डाल दिया, टेक पॉलीमरेज डाल दिया और जितनी जरूरत की चीजें सब डाल दी। फिर मैंने वहां पे टेम्परेचर सेट कर दिया 94 डिग्री सेल्सियस। अब जो मेरे डीएनए है ना, वो डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उनके बीच में से, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद टेम्परेचर मैं सेट करूंगी 54 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्राइमर्स ऐड कराऊंगी, बिकॉज डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम था मेरा वो भी खुद से काम नहीं करता था, और मेरा यहाँ पे मैं क्या यूज करती हूँ, टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज भी पता है क्या काम करता है, खुद से काम नहीं करता, नहीं तो यहाँ पे आके ये क्या करने लग जाते, एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता। लेकिन अभी तो नया स्ट्रैंड नहीं बनाई, ये बोलेगा पहले आप मेरे को छोटा सा स्ट्रैंड बना के दो, उन छोटे से स्ट्रैंड को हम बोलते हैं प्राइमर, जब हम इनको बना के देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर बनाने शुरू कर दिया एट द टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस, इस प्रोसेस को बोलेंगे एनिलिंग। फिर टैग पॉलीमरेज आएगा 72 डिग्री सेल्सियस होते ही, और ये प्रोसेस आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। ये देखो हमेशा वर्क करेगा 5' से 3' डायरेक्शन में। प्राइमर बनते वो हम बनाते वो या फिर वो नेचुरली बनता है? यहाँ पे एक एंजाइम डालेंगे प्राइमेज, ये प्राइमेज एंजाइम प्राइमर्स को ऐड करता है। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें भी तो प्राइमेज हम एंजाइम डालते थे, प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसको बोलते थे, वो क्या करता है छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड करा देता 5 से 3 डायरेक्शन में, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता था अपना काम करना शुरू कर देता था। ऐसे ही यहाँ पे होगा, टेम्परेचर याद रखना है, प्रोसेस का नाम याद रखना है। सबसे पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एनिलिंग 54 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आया समझ? यस मैम। चलो अब वापस चलते हैं हम अपने प्रोसेस पे। अब मैंने क्या कर दिया, आ गया हमारा, हाँ इसकी 5 कॉपीज बनवा दी, 1 2 3 4 5 बनवा दी 5 कॉपीज। अब 5 कॉपीज बनवाने के बाद इसको 5 ही वैक्टर मेरे को चाहिएंगे। यस मैम। इन वैक्टर्स के साथ मैंने इनको ज्वाइन करा दिया, इन वैक्टर्स के साथ इस प्रोसेस को मैंने इन जीन्स को ज्वाइंट करा दिया। कैसे, ये देखो यहाँ पे हो गए ज्वाइंट। ज्वाइन किसकी हेल्प से होंगे, डीएनए लाइगेज। अब मैं इन सबको क्या बोलूंगी, रिकॉम्बिनेंट। फिर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ट्रांसफर करूंगी किसमें, होस्ट बॉडी में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे को यहाँ पे कहानी शुरू होगी कि बच्चों मैंने तो जीन इंसर्ट करा दिया, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा जीन इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, और जीन चलो इंसर्ट हो भी गया, क्या गारंटी है कि वो वेक्टर मेरा होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ होगा, क्या गारंटी है इस चीज की। अभी तो चलो मैं 5 के साथ करा रही हूँ तो मैं ध्यान दे लूंगी, लेकिन आगे जाके ये प्रोसेस लार्ज स्केल पे होता है, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं 100 से 1000 लीटर के बड़े बड़े वेसल्स, उन वेसल्स के अंदर एक साथ 1000 वैक्टर 1000 डीएनए की फ्रेगमेंट और 1000 ही होस्ट डाले जाते हैं, ऐसी प्रोसेस कराया जाता है ये। उस केस में मैं क्या करूंगी पिक करने के लिए, अब आता है मेन चीज हमारी, अब आता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, कि मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी कि मेरा रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। पढ़े इस टॉपिक को। यस मैम। यस मैम। लिखो, आज इस चैप्टर को फिनिश करना है हम लोगों को, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ध्यान से समझना बच्चों, है ना, एक भी बार में समझ लेना, ये मत बोलना मैम नहीं समझ में आया। मैंने एक बीकर लिया,
इसलिए स्लोली स्लोली समझा रही हूँ। इस बीकर में दो वैक्टर ले लिए, कौन से वैक्टर? इस वेक्टर का नाम दे दिया फर्स्ट, इस वेक्टर का नाम दे दिया सेकंड। इसके अंदर डाला एक डीएनए, डीएनए के साथ डाल दिया एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला गया मैंने? सपोज करो बाम एच वन। बाम एच वन की रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे थी? लेफ्ट साइड थी, टी के साइड, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है ना, एट टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट यहाँ पे। तो इधर तो मेरे पास टेट्रासाइक्लिन है ये, और इधर एम्फिसिलिन है ये चीज। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना डीएनए डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब सबकी सब चीजें एक बीकर में डाल दिया, अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा मेरे डीएनए की? फ्रेगमेंट्स कट करा दी, और साथ ही साथ आपके जो ये, अरे यार, आपका जो ये पीवीआर 322 है, इस पे कहां से कट लगाया होगा इस बाम एच वन ने? यहां से ना, टेट्रासाइक्लिन वाली साइट से ये लगा दिया कट। यहीं पे तो थी ना इसकी साइट? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा तो बता देना बच्चों, अभी यहां से इन्होंने कट लगा दिया। अब मेरे पास डीएनए है, सपोज करो ये रेड से मैं बना रही हूँ, ये डीएनए जाके यहाँ पे चिपक गया किसकी हेल्प से? लेकिन जो मेरे पास वन नंबर वाला पीवीआर 322 है, इसके ऊपर कोई डीएनए नहीं इंसर्ट हुआ, कोई डीएनए आके इसके ऊपर इंसर्ट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हुआ मेरा? इस केस में डीएनए लाइगेज ने वापस से इसको रिजॉइन करा दिया, ऐसे इसको वापस से रिजॉइन करा दिया। तो इसका मतलब मेरा सेकेंड वाला तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। और वन वाला क्या रह गया? Non-recombinant. अभी यहाँ पे तो मेरे को प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन जब मैं लैब में कर रही हूँ ना, लैब में नहीं मेरे को पता चला कि इन दोनों वैक्टर्स में से कौन से वैक्टर के अंदर डीएनए इंसर्ट हुआ, कौन से के अंदर नहीं हुआ। अब मेरे को ये चीज पिक करनी है, मेरे को पता लगाना है, क्योंकि जिसके अंदर नहीं हुआ उसको मैं निकाल के फेंक दूंगी यहाँ से कि भाई तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, तुम्हारे अंदर तो डीएनए इंसर्ट ही नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, एक और भी कर लिया, उस बीकर के अंदर रख दिए तीन होस्ट बॉडीज, ठीक है, और इन तीनों होस्ट बॉडी के अंदर इन पीवीआर को डाल दिया। अब सपोज करो मेरा यहाँ पे इसके अंदर तो चला गया फर्स्ट पीवीआर, इसके अंदर चला गया सेकंड पीवीआर, और इसके अंदर कोई सा भी नहीं गया क्योंकि दो ही थे मेरे पास पीवीआर, है ना। तो अब मेरा फर्स्ट वाला क्या बन गया, जो मेरा होस्ट बॉडी है इसको मैं क्या बोलूंगी? Non-recombinant transformation. Transformation तो हुआ है ना यहाँ पे second वाले को? Recombinant and transformation. Recombinant transformment. और इसको क्या बोलूंगी third वाले को? Non-transformant, non-recombinant. Non-transformant. Non-recombinant की तो आती नहीं है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर तो वेक्टर गया ही नहीं है। अब इसका वेक्टर नहीं गया। हाँ जी मैम, आपने फर्स्ट वाले को भी ट्रांसफॉर्मेंट क्यों कहा है? बेटा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये होता है जब वेक्टर होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और उस होस्ट बॉडी को हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। बॉडी के अंदर तो गया है ना, कौन सा गया है वेक्टर वो डिपेंड करेगा, रिकॉम्बिनेंट गया है नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है, समझ? Yes, ma'am. ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ट्रांसफर हुआ है इसलिए। चलो इतना समझ में आ गया। अब मेरे को ये चीज पिक करनी है, बिकॉज देखो मेरे सामने लैब में प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं बता कर पा रही हूँ कि हुआ क्या। अब मेरे को क्या करना है, मैंने लिया दो प्लेट, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस प्लेट में तो डाल दिया बहुत सारा एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक, और इसके अंदर डाल दिया टेट्रासाइक्लिन। अब आप ये चीज बताओगे, और इन तीनों होस्ट को
रख दिया यहाँ पे, किन तीनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बताओ फटाफट से। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पहला केस वन देखो, एमपी सिविन वाला बताओ, फर्स्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो फर्स्ट क्या है मेरा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब इस होस्ट बॉडी के अंदर मेरा वेक्टर गया है, कौन सा वेक्टर? जिसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, है ना, और नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये, मतलब कोई डीएनए आके इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ पे। अब डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब सोचो क्या होगा, एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, कर रहे होंगे नहीं। तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट वाली बॉडी को एम्पीसिलिन में रखूंगी तो ये तब भी ग्रो कर जाएगी, टेट्रासाइक्लिन में रखूंगी तब भी ग्रो कर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसके अंदर प्रॉपरली। यस मैम, है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला केस देखो, सेकंड वाला, एक बार रिपीट करो, ये समझ में नहीं आया। देखो बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है मेरा फर्स्ट वाला, मतलब बॉडी के अंदर वेक्टर गया है। अब वेक्टर के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाला, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कोई डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ इसके पास, और हमने रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सा, एंजाइम कौन सा यूज किया था, बाम एच वन। बाम एच वन कहां से कट करता है, टेट्रासाइक्लिन से। अब सपोज करो जब बाम एच वन टेट्रासाइक्लिन से कट कर देगा तो क्या वो टेट्रासाइक्लिन जीन काम कर पाएगा? No, ma'am. तो मतलब मेरा जिस बॉडी के अंदर वो जाएगा तो बॉडी भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं बन पाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ, तो फर्स्ट वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कोई डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ पे आके, तो इसका मतलब इसके एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंट जीन अच्छे से काम कर रहा है, तो एम्पीसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा, इसलिए टेट्रासाइक्लिन में भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वाले में बताओ क्या होगा, मैम एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा। वेरी गुड, एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाम एच वन हमने यूज किया था, बाम एच वन ने क्या किया होगा, इसको यहाँ से कट लगाया था टेट्रासाइक्लिन से। अब जैसे ही बाम एच वन ने टेट्रासाइक्लिन पे कट लगाया, टेट्रासाइक्लिन जीन डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे डीएनए आके एंटर हो गया, तभी तो रिकॉम्बिनेंट बना, डीएनए इंसर्ट हुआ तभी वो रिकॉम्बिनेंट बना। तो इसका मतलब उसके पास एम्फिसिलिन वाला तो प्रॉपर है, टेट्रासाइक्लिन वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन ग्रो नहीं कर पाएगा। थर्ड वाला बताओ क्या होगा, थर्ड वाले में तो मेरा वेक्टर ही नहीं गया। अब वेक्टर ही नहीं गया तो एम्फी रेजिस्टेंट जीन कहां से आएंगे इसके पास, दोनों में डेथ हो जाएगी इसकी तो। यस मैम, है ना। तो ये होता yes. है पिक करने का तरीका कि कहाँ पे ग्रो कर रहा है, अगर ग्रो कर रहा है तो कौन से में ग्रो कर रहा है। अगर सिंपल सी चीज है, अगर आपका किसी में भी ग्रो नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली लिख देना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अगर दोनों में ग्रो कर रहा है तो डायरेक्टली लिख देना नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर एक में ग्रो कर रहा है एक में नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली लिख देना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। फिर से बताऊ समरी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एम्फिसिलिन, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन। अब फर्स्ट वाला क्या था मेरा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों में ग्रो कर रहा है, अगर मेरे पास कोई ग्रो कर रहा है इसमें भी और इसमें भी तो डायरेक्टली क्या होगा मेरा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन अगर मेरा एक में ग्रो कर रहा है एक में नो ग्रो तो उसको डायरेक्टली लिख देना रिकॉम्बिनेंट। और अगर एक में भी ग्रो नहीं कर रहा उसको लिख देना नॉन ट्रांसफॉर्म। सिंपल,
यस मैम। हाँ जी मैम, जो सेकंड वाला है जो रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो टेट्रासाइक्लिन में उसकी डेथ हो जाएगी, फिर हम उसे आइसोलेट कैसे करें? बेटा इसीलिए तो ना ये वाला जो टेक्निक होता है ना बहुत कम यूज करता है, क्योंकि इसमें एक टाइप से आप डेथ नहीं बोलोगे, डेथ नहीं होगी उसकी, वो ग्रो नहीं कर पाएगा बस उस मीडियम में, वो ग्रो नहीं कर पाएगा एंटीबायोटिक में। इसके अलावा इसीलिए हम इस वाले को यूज नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको एंटीबायोटिक का कुछ ना कुछ उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको यूज ना करके हम पीयूसी को यूज करते हैं, पीयूसी 18 को, क्योंकि पीयूसी 18 में ना बहुत ईजी होता है पिक करना। कैसे? सपोज करो अगर आपको ब्लू कलर मिल रहा है तो आपको हम डायरेक्टली पता लगा देंगे कि अगर ब्लू कलर मिल रहा है तो मेरा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे कलर की हेल्प से हम पिक कर देते हैं, कैसे करते हैं वो समझाऊंगी। और अगर मेरे पास है व्हाइट, व्हाइट कलर दे रहा है आपको तो वो कैसा है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे? वो देखो जो मेरा पीयूसी 18 होता है ना बच्चों, इस पीयूसी 18 के अंदर क्या होता है, पीयूसी 18 के पास दो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, एक तो सिलेक्टेबल मार्कर है एम्फिसिलिन और एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है लेक जेड जीन। अब लेक जेड जीन क्या काम करता है, आपने लेकोपेरोन में पढ़ा होगा, पढ़ा है? नो मैम। लेक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड, और ये बीटा गैलेक्टोसाइड क्या काम करता है, लैक्टोज को ब्रेक कराता है किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में। अब देखो सपोज करो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, उसने इस लेग जेड जीन को कट कर दिया, अब जैसे ही लेग जेड जीन कट हो गया तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो आपको कलर दिखेगा कैसा, व्हाइट। अगर आपका लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज नहीं बना तो कलर व्हाइट दिखेगा, लेकिन अगर आपका कोई एंजाइम नहीं आया और लैक्जेटजीन प्रॉपरली काम कर रहा है, तो अगर ये प्रॉपरली काम कर रहा है तो लैक्जेटजीन भी बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी होगा, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट भी होगा, अगर ये कन्वर्जन हुआ तो आपको कलर दिखेगा ब्लू। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल देते हैं, और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या काम करते हैं, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो ये कलर दिखाते हैं। अब जैसे ही आपका ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको कलर मिल जाएगा ब्लू, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपको कलर मिल जाएगा व्हाइट। इसीलिए ये बोला जाता है PBR 322 की कंपैरिजन में PUC 18 बहुत अच्छा वेक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पिक करना बहुत इजी होता है। क्लियर? यस मैम। किसी का कोई डाउट? चलो इतना अगर समझ में आ गया है तो इसका मतलब अब वापस आओ, वापस आओ, वापस वापस, कहाँ गई हमारी स्लाइड्स, यहाँ पे। अब मैंने क्या कर लिया, पिक भी कर लिया और अब मेरे को ट्रांसफर करा दिया मैंने इन सब में ट्रांसफर करा दिया। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान से जो सुननी है क्या, वो देखो अगर आपका ये होस्ट बॉडी कैसा है, अगर ये आपका होस्ट है बैक्टीरिया, होस्ट है बैक्टीरिया, तो आप क्योंकि आप खुद देखो ना, कोई भी होस्ट क्यों लेना चाहेगा किसी भी प्लाज्मिड को, किसी भी एक्स्ट्रा डीएनए को अपनी बॉडी में, क्यों कोई बर्डन बढ़ाना चाहेगा, नहीं चाहेगा ना कोई भी बर्डन बढ़ाना। तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है उस अपने होस्ट को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो डीएनए को ले पाए, क्योंकि क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया की बाहर की जो सेल वॉल होती है
वो होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग, और जो आपका डीएनए होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब दो अलग लोग कभी कभी अट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे ना कभी भी अट्रैक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मैंने बैक्टीरिया लिया, पकड़ा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को एक सॉल्यूशन में रख दिया। कैसे सॉल्यूशन में? कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रख दिया, या फिर किसी भी डाइवेलेंट कटायन के सॉल्यूशन में रख दिया। अब ये डाइवेलेंट कटायन क्या करेगा? मेरे होस्ट की बॉडी के अंदर बना देगा क्या? होल्स बना देगा ऐसे। तो सपोज करो मेरे होस्ट के अंदर ऐसे बन गए छोटे छोटे होल। अब मतलब इसके अंदर मैं डीएनए को एंटर करा सकती हूँ या नहीं? मतलब अपने वेक्टर को एंटर करा सकती हूँ ना? यस मैम। अब कैसे कराऊंगी? मैंने वेक्टर को पकड़ा, अब वेक्टर भी बड़ा जिद्दी है, वेक्टर बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा किसी दूसरी बॉडी में, तो मैं वेक्टर को हीट शॉक मेथड दूंगी। हीट शॉक में मैं क्या करूंगी, वेक्टर को पहले रखा इस पे और एकदम से उसको रख दिया एक हीट पे। हीट पे कितने पे? 42 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर वेक्टर डायरेक्टली सेल के अंदर जाएगा, तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए मेरे को कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। क्या मेथड? सबसे पहले मैं बैक्टीरिया की अंदर होल्स बनवाऊंगी, पोर्स बनवाऊंगी। किसकी हेल्प से? एक डाइवेलेंट कटायन की हेल्प से। फिर वेक्टर को हीट शॉक मेथड दूंगी, एक बार आइस पे रखा, एक बार हीट पे रखा, फिर डायरेक्टली उसको एंटर करा दिया। क्लियर? यस मैम। तो yes, ये तो कहानी हुई बैक्टीरिया की। अब बात आती है कि प्लांट के अंदर मैं कैसे ट्रांसफर कराऊंगी। प्लांट की तो सेल वॉल इतनी हार्ड होती है, सेलुलोज की बनी, तो उसको तो मैं कोई सा भी केमिकल दे दूं उसके अंदर होल्स नहीं बनवा सकती। तो इसका मतलब मेरे को प्लांट के अंदर कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, है ना? तो प्लांट के अंदर किसी भी वेक्टर को ट्रांसफर कराने के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा आप वेक्टर कौन सा यूज करोगे। दिखता है आपको ये रेड कलर से लिखा हुआ? टाइप्लाज्मिड हम यूज करेंगे। अब टाइप्लाज्मिड को ही क्यों यूज करेंगे, इसके पीछे का रीजन वो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो मेरे डाइकोट प्लांट है ना, उन डाइकोट प्लांट के पास, डाइकोट प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया आ रहा है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस एक बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है मेरे डाइकोट प्लांट में? ट्यूमर कोज कर रहा है। और कैसे कर रहा है ट्यूमर कोज? आपको पता है बैक्टीरिया के पास एक तो खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसके साथ एक्स्ट्रा एक प्लाज्मिड भी होता है। तो इसके प्लाज्मिड को हमने बोल दिया टाई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। लोगों के माइंड में चीज चला, ओके, तो इसका मतलब इस बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर डाल सकता है। तो क्यों ना हम इसको यूज कर ले बायोटेक्नोलॉजी में। कैसे यूज करेंगे? हम ऐसे यूज करेंगे, मैं क्या करूंगी, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का जो टाई प्लाज्मिड है, इस टाई प्लाज्मिड के अंदर से वो जीन निकाल दूंगी जो जीन ट्यूमर कोज कर रहा है, और उसके अंदर अच्छे वाला जीन डाल दूंगी। तो इसका मतलब मेरा अच्छे वाला जीन प्लांट की सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ना। और बायोटेक्नोलॉजी में तो यही करता है, एक जीन को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराते हैं। सिंपल। तो क्या करेंगे, जब हम टाइप्लाज्मिड को यूज करेंगे एज अ वेक्टर, हम रिमूव करा देंगे उसके अंदर से ट्यूमर कॉजिंग जीन और उसकी जगह पे अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करा देंगे। फिर उस प्लाज्मिड को बोल देंगे डिसआर्म्ड प्लाज्मिड, मतलब ऐसा प्लाज्मिड जो कोई हार्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब मेरे को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी यहाँ पे, सिर्फ अपने जीन को मेरे को निकालना है, जीन की कॉपीज बनवानी है और इसके प्लाज्मिड के साथ डाल देना है, बाकी मेरा बैक्टीरिया सारे काम खुद कर लेगा, है ना? आया समझ में? चलो, तो ये तो हुआ प्लांट का केस। अब एनिमल के केस में क्या करेंगे? एनिमल के केस में डायरेक्टली सी बात है रेट्रोवायरस यूज करेंगे, क्योंकि वायरस के पास तो कैपेबिलिटी होती है एनिमल्स के अंदर अपना जीन वो डायरेक्टली डाल ही देते हैं, तो नेचुरल है उनके अंदर। तो एनिमल में मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा,
बैक्टीरिया में मेरे को उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, प्लांट में मेरे को टाइप्लाज्मिड लेना पड़ेगा, और एनिमल में क्या लेना पड़ेगा? देखो बैक्टीरिया में मेरे को लेना पड़ेगा प्लाज्मिड, या फिर बैक्टीरियोफेज भी तो यूज कर सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, और प्लांट में टाइप्लाज्मिड, और एनिमल में रेट्रोवायरस। ये यूज करके मैं बॉडी में ट्रांसफर करा सकती हूँ। तो बच्चों एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा।